नील धारा है पूरी आपको दिखाई दे रही होगी, और ये वो जगह है जहाँ से कौवा का रुख जो है। लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है? देख सकते हैं सामने ब्रह्मकुंड के दृश्य। हे गाइस, आई एम नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल रिची एंड मॉम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार। नील धारा है पूरी आपको दिखाई दे रही होगी, और ये वो जगह है जहाँ से कौवा का रुख जो है सीधा हर की पैड़ी के लिए निकलता है। यहाँ से बहती हुई गंगा मैया सीधा हर की पौड़ी पे निकलती है। देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे जो हाईवे है वो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। गाइस यहाँ पे किसी भी कृत्रिम तरीके से गंगा मैया को नहीं रोका जाता। दोनों साइड देख सकते हैं आप घाट बने हुए हैं, उसके बीच में से जैसे ही ये जल की धारा वहाँ से आती है उसी तरह से सीधा जो है हर की पौड़ी पे जाती है। और गाइस इसके दूसरी साइड अब हम चलेंगे तो सामने आप देख सकते हैं चंडी घाट का पुल है, और चंडी घाट पर ही ये जो है नील धारा जाती है। अब चलिए गाइस हम आपको लेके जाते हैं सीधा हर की पौड़ी जहाँ गंगा मैया जाती है। और देखिए गाइस ये है प्रवेश द्वार, और ये जो है सीधा अगर हम पीछे से देखें तो हाईवे की साइड से पार्किंग की साइड से आपको आने का ये सीधा रास्ता है। और गाइस अगर आप कार पार्किंग पे लगा रहे हैं या स्कूटी बाइक जो भी आपकी है पार्किंग पे लगा रहे हैं तो सबसे अच्छा रास्ता यही है जाने का हर की पौड़ी। तो चलिए गाइस यहाँ से लेके चलते हैं। और मार्केट देखिए जैसे ही यहाँ पर सारी मार्केट सजी हुई है, हर टाइम यहाँ पर ऐसे ही पूरी मार्केट सजी रहती है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, ये लोग हमेशा अपनी मार्केट को सजाए रखते हैं। गाइस इसी तरह रोज गंगा मैया के दर्शन करने के लिए हर की पौड़ी हरिद्वार और ऋषिकेश और उत्तराखंड की अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए गाइस आगे अंदर बढ़ते हुए तो सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे गौ घाट में। देखिए गाइस यहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पर गौ घाट का। तो चलिए गाइस गौ घाट से आपको दृश्य दिखाते हैं, फिर उसके बाद पूरी हर की पौड़ी दिखाते हुए आपको लेके चलेंगे ब्रह्मकुंड, जहाँ पर अमृत की जो है बूंदे गिरी थी। और सबसे अच्छा यहाँ हर की पौड़ी में सबसे ज्यादा मान्यता ब्रह्मकुंड स्नान की है। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हुए पूरी हर की पौड़ी घुमाते हैं और दर्शन आपको पास से कराएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं, वीडियो में बने रहे और वीडियो एंड तक देखें। और गाइस आज यहाँ हर की पौड़ी पे एक दुर्घटना भी घटित हो गई थी, तो गाइस वीडियो पूरी देखें। बहुत सुंदर दृश्यों के साथ गाइस देखिए चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, घुसी घाट की ओर चलते हैं। लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है? आदत है, अच्छा आते रहते होंगे आप। एक बार आगे दिखाते हैं मंदिर जो यहाँ पर बना हुआ है गौ घाट के ऊपर, बहुत सुंदर मंदिर, छोटा सा ये मंदिर बनाया हुआ है भगवान जी का। देखिए गाइस आगे बढ़ते हैं, शिव घाट के आपको मैं दृश्य दिखा रही हूँ। शिव देखिए गाइस सामने मनसा मैया का मंदिर पहाड़ी पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। शिव घाट के ये दृश्य पहाड़ देखिए गाइस एक बार आप गंगा मैया में।
तेज हो गया है और पानी पहले से काफी ज्यादा तेज गंगा मैया में दिखाई दे रहा है। अभी गाइस हम ऊपर पुल पर आ गए हैं और आप सामने देख सकते हैं वो है हर की पेड़ी का मेन घाट, धनुष पुल बोला जाता है इसको। बहुत बार मैं अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है और दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं गंगा मैया के। बहुत सुंदर ज्योति धारा यहाँ पर गंगा मैया में और बहुत अच्छी हवा के साथ साथ जो गंगा मैया की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है ना गाइस, कानों को एकदम संतुष्टि मिल जाती है। बहुत अच्छा, आपका कितना भी विचलित अगर मन हो रहा है तो अगर आप यहाँ गंगा किनारे बैठ जाएंगे एक बार तो बहुत ही अच्छा आपको जो है आपका मन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शांति अनुभव होती है यहाँ पर आके। आप भी बताएं आपको वीडियो में गंगा मैया की अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो कैसा आपको फील हो रहा है, अच्छी लग रही है आपको वीडियोस, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं एक बार। देखिए गाइस, चलिए उस साइड से भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से लहरें कितनी ज़्यादा तेज दिखाई दे रही हैं। देखिए गाइस, जो लोग भी दूर से हैं डेली यहाँ गंगा मैया हरिद्वार हर की पैड़ी नहीं आ सकते हैं उन लोगों के लिए खासकर मैं वीडियो बनाती हूँ कि अपने घर बैठ के ही आप गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं डेली, जो उनकी आवाज़ जो लहरों की है आप सुन सकते हैं, अपने मन को काफ़ी संतुष्टि प्राप्त करवा सकते हैं आप। पूरी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से आपको हर चीज़ मैं दिखाऊँ, हर चीज़ मैं बताऊँ। तो गाइस कमेंट में एक बार हर हर गंगे आप ज़रूर लिखें ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े। वीडियो कैसी लग रही है आपको, कुछ आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चारधाम यात्रा से संबंधित भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो अगर आप चारधाम यात्रा जाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और सीधा उसके बाद हम लोग जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पे ही दिखाते हैं आपको हर की पौड़ी के मेन घाट के दृश्य। चलिए आगे चलने और हर की पौड़ी के उस तरफ जाने के लिए आपको नाई घाट जाने के लिए ये पुल जो है बना हुआ है, इससे आप जा सकते हैं नाई घाट के लिए, बट हम लोग सीधा यहीं से जाएंगे। तो चलिए और यहाँ के भी आपको पूरे दृश्य मैं दिखा देती हूँ। गंगा का बहाव कुछ ज़्यादा ही तेज दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा तेज आज हवा भी चल रही है और बहाव भी तेज। ओह गॉड, ये देखिए गाइस ऐसे हादसा हो जाते हैं एकदम जबरदस्ती, किसी से ना करें। आपका अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो स्लिपरी काफ़ी है तो यहाँ पर गिरने का भी खतरा बना रहता है, तो कृपया सही से स्नान करें आप लोग पूरी सावधानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ निरंतर गंगा मैया में बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए, इतना ज़्यादा आप बाहर देख सकते हैं गंगा मैया में। चलिए गाइस अब आपको सीधा लेके जाते हैं ब्रह्मकुंड की साइड और वहाँ के दृश्य दिखाते हैं। ब्रह्मकुंड की साइड हर की पौड़ी से तो देखिए आप देख सकते हैं सामने ब्रह्मकुंड के दृश्य। एक माँ और बच्ची का प्यार गाइस आपको हर जगह देखने को मिलता है, तो गाइस यहाँ हर की पौड़ी पर भी देखिए गाइस। चलिए गाइस हम आपको ऊपर से दिखाते हैं भागीरथी सेतु, नाई घाट की साइड आपको लेके चलते हैं, ऊपर से ही आपको पूरे हर की पौड़ी के दृश्य दिखाते हैं। देश और विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए आपको
दूसरी साइड दिखाते हैं। और गाइस यहाँ से जो दृश्य दिखाई देते हैं वो तो बेहद ही खूबसूरत हैं। पूरी हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के दृश्य जो है बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर फील होती है। और गाइस देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे दृश्य हैं। धनुष पुल से ही आपको लेके जाते हैं बाहर की साइड, और मैंने जहाँ स्कूटी जो है पार्किंग में खड़ी की हुई है। तो गाइज अभी हम जो है इसी पुल से बाहर आए हैं, धनुष पुल इसे कहा जाता है, और उस पार से हर की पौड़ी के इस पार हम आ चुके हैं। तो गाइज इसी व्यू के साथ हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।